नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं जियाडिया लामलिया के बारे में। और जितने भी लोग आप इस वीडियो को देखेंगे उसमें हम इम्पोर्टेंट पार्ट ये है कि इससे आपको MCQs के कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम कवर करने वाले हैं। इसके साथ साथ आपके एग्ज़ाम में नोट्स जो आप तैयार करते हैं वो भी आप कर सकते हैं और वहाँ पर लिख भी सकते हैं एग्ज़ाम में, ठीक है। तो वीडियो कंप्लीट देखिएगा, पहली बार आए चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे भी वीडियो इसी तरीके से मिलते रहें। अब जियाडिया लामलिया एक पैरासाइट है जो कि सिंपल आपको सभी लोगों को पता है। पैरासाइट का मतलब हिंदी में परजीवी होता है जो अपने जीवन यापन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं, ठीक है। तो इंटेस्टाइनल शब्द जुड़ा हुआ है, इसका मतलब आपको सिंपल पिक्चर क्लियर करना है। इमेजिन के थ्रू आपको इनको याद करना है, ज़्यादा रटने की ज़रूरत नहीं है। आसानी से ये पैरासाइट जितने भी हैं आसानी से आपको समझ में आ जाते हैं, लेकिन आपको एक दूसरे से जोड़ते हुए लिंक आपको चलना है आगे। अब इंटेस्टाइनल मतलब आपके इंटेस्टाइनल में ये इन्फेक्शन कॉज करेगा, ठीक है। अब सिम्टम्स देखेंगे तो आपका स्टमक पेन होगा और डायरिया हो सकता है। अब डायरिया होगा तो सिंपल है, सैंपल आप जो है स्टूल का सैंपल ले सकते हैं। अब डायग्नोसिस पार्ट, जो जितने भी लेबोरेटरी टेक्नोलॉजिस्ट हैं उनके लिए डायग्नोसिस पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप सिंपल सेलाइन वेट माउंट करेंगे, आयोडीन वेट माउंट करेंगे या फिर यूसिन वेट माउंट करेंगे और उसके बाद स्टेंट स्मियर भी कर सकते हैं मॉर्फोलॉजी के लिए। तो सिंपल समझ में आ गया। अब इसकी मॉर्फोलॉजी देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आगे हम इसमें बात कर लेते हैं, सबसे सिंपल चीज़ें हैं जो इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करेंगे तो ये वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। और ज़्यादातर जो है ये आपके वार्म क्लाइमेट में देखने को मिलता है। और इसके अलावा ये अडल्ट के अलावा ये बच्चों को जो है ज़्यादा इन्फेक्शन इससे होता है। क्यों होता है, उसके पीछे रीज़न ये है कि ये जो भी कंटामिनेटेड वाटर होता है या फूड होता है तो बच्चे अधिकतर जो है ये सारी चीज़ों से कनेक्टेड रहते हैं। ज़्यादातर लापरवाही से वो इस चीज़ को ले लेते हैं जिसके कारण से उनको इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। सिंपल से कारण है और कोई कारण नहीं है। अब जो है अगला आपको इसमें हम बता देते हैं, अगर आप जियाडिया लामलिया के बारे में बात करेंगे तो सबसे पहले इसके मॉर्फोलॉजी की हम बात कर लेते हैं। तो देखने से आपको मॉर्फोलॉजी दिखाई दे रहा होगा, इसके दो ही जो है फेज होते हैं, एक ट्रोफोजॉइट है और एक सिस्ट है, ठीक है। दो फॉर्म है इसके, ट्रोफोजॉइट और सिस्ट, जिसमें कि आपका ये जो सिस्ट फॉर्म होता है यही सिस्ट फॉर्म आपका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, सिंपल। तो आपके ऑब्जेक्टिव के बेस पे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि जियाडिया लामलिया का इन्फेक्टिव फॉर्म कौन सा होता है, ठीक है। तो उसमें ट्रोफोजॉइट और सिस्ट अगर देगा तो आपको पता होना चाहिए कि वो सिस्ट, तो आपको टिक कौन सा करके आना है, सिस्ट करके आना है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से आपको MCQs क्वेश्चन तैयार करना है, इसीलिए मैं बोलता हूँ वीडियो आप जो कंप्लीट देखेंगे तो आपको बहुत सारे MCQs आपके टॉपिक जब पढ़ते पढ़ते मैं आपको एक्सप्लेन करके दे दूंगा, समझ आ रहा है। अब उसके बाद जो है ट्रोफोजॉइट स्टेज, तो ये ट्रोफोजॉइट स्टेज जो होता है ये आपके डायग्राम में दिखाई देगा। तो ये डायग्राम जब आप बना लेंगे तो इसको एक्सप्लेन करने में बहुत आसानी हो जाएगा, समझ में आ रहा है। तो ये ट्रोफोजॉइट स्टेज जो आपको दिखाई दे रहा होगा इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप डायग्राम आप बनाएंगे तो बहुत सिंपल डायग्राम है और इसकी अगर आप बात करेंगे तो मैं अभी एक्सप्लेन करके दूंगा इसमें, लेकिन सिंपल चीज़ें आप देख रहे होंगे। इसमें न्यूक्लियस है, फ्लैजिला है, फ्लैजिला का काम क्या होता है आप सभी को पता है, एक जगह से दूसरी जगह ये जाने के लिए इनका इस्तेमाल करता है, ठीक है, सिंपल भाषा में। और एक जो स्टाइल आपको दिख रहा होगा, और उसके बाद सकलिंग डिश, तो ज़्यादा आपको टफ डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल इस तरीके से। और इसकी लंबाई चौड़ाई भी आप याद कर सकते हैं, तो ये 14 माइक्रोमीटर जो है आपका लंबाई होता है इसका और 7 माइक्रोमीटर इसकी चौड़ाई होती है, ठीक है, ये चौड़ाई। अब उसके बाद जो है सिस्ट की अगर हम बात करेंगे तो सिस्ट में आपको इसमें देखिए दो न्यूक्लियस आपको दिखाई दे रहे हैं, ठीक, और इसमें आपको 4 न्यूक्लियस दिखाई दे रहे होंगे, ठीक, बाकी जो है आपका एक जो स्टाइल दिखाई दे रहा है। और सिस्ट की अगर हम लंबाई चौड़ाई की बात करेंगे तो ये 12 माइक्रोमीटर आपका जो है लंबा होता है और उसके बाद 7 माइक्रोमीटर चौड़ा होता है, समझ में आ रहा है। तो ये सिंपल चीज़ें हैं, बाकी और ज़्यादा डिटेल में इनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी आपको लिखने के हिसाब से अगर है तो आप लिखने के लिए आपको मैं नोट्स दे देता हूँ जो आपको समझना है। तो ये इसका कुछ मॉर्फोलॉजी आप देख सकते हैं जियाडिया लामलिया के बारे में। तो ट्रोफोजॉइट स्टेज के बारे में यहाँ पर डिटेल में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो भी बैडमिंटन और रॉकेट रैकेट बैडमिंटन का जो होता है उसी आकार का आपको ये दिखाई देता है। डोर्सल सरफेस आपका कॉन्वेक्स होता है और वेंट्रल सरफेस जो है आपका कॉनकेव होता है, ठीक है, और एक सकलिंग डिस्ट होता है। तो वही चीज़ों को यहाँ पर एक्सप्लेन करके दे रहा है जो मैंने आपको बता दिया है। साइज़ की बात मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, ठीक है। और उसके बाद एंटीरियर एंड जो है इसका कैसा होता है, राउंडेड होता है, ये राउंडेड आपको दिख रहा होगा, ठीक है, और ब्रॉड वाइल द पोस्टीरियर एंड जो है आपका पॉइंटेड होता है। और ये पोस्टीरियर एंड आप देख सकते हैं नीचे वाला, ये पॉइंटेड है आपका, ठीक।
तो जो डायग्राम में आपको दिख रहा है वही चीज़ यहाँ पर एक्सप्लेन करके देना है आपको। ज़्यादा कुछ डिटेल में आपको रटने की या याद करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। जो चीज़ आपको दिखाई दे रहा है डायग्राम में वही चीज़ आपको एक बार पढ़ेंगे आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो है सिस्ट के बारे में यहाँ पर थोड़ा कुछ दिया हुआ है। सिस्ट जो है ओवल शेप का होता है, ये आपको दिख रहा होगा ओवल शेप का है, ठीक है। और उसके बाद इसकी लंबाई चौड़ाई मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है 12 से 7। और उसके बाद इसमें आप देख सकते हैं 4 न्यूक्लियाई है जो कि मैं आपको समझा चुका हूँ, एग्जो स्टाइल, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपको दिखाई दे रहा है वही चीज़ आपको इसमें एक्सप्लेन करके देना है। फॉर्मिंग ए डिवाइडिंग विद इन द सिस्ट वॉल द रिमेंट्स ऑफ द फ्लैजिला एंड द सकलिंग डिस्ट में बी सीन इन साइड द साइटोप्लाज्म, ठीक है। और बाकी इसमें कोई इंपॉर्टेंट चीज़ है नहीं मॉर्फोलॉजी में, जो चीज़ें आपको दिख रहा है वही चीज़ एक्सप्लेन करके आपको जब आप एग्जाम में लिखेंगे तो वही चीज़ आपको लिख करके आना है। इसके अलावा आगे हम इसके लाइफ साइकिल की बात करेंगे तो लाइफ साइकिल बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दो ही फॉर्म हैं जो कि आपको पता है इसमें कौन कौन से हैं, एक ट्रोफोजॉइट फॉर्म और एक सिस्ट फॉर्म, दो फॉर्म है। तो ज़्यादा आपको इसमें लाइफ साइकिल में ज़्यादा डिटेल आपको याद करने की ज़रूरत है नहीं। तो जो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि जो सिस्ट फॉर्म होता है वो इन्फेक्टिव फॉर्म होता है, कौन सा, सिस्ट फॉर्म, ठीक है। तो ये जो सिस्ट फॉर्म इन्फेक्टिव फॉर्म होता है तो समझ में आ रहा होगा आपको कि जब ये सिस्ट किसी भी थ्रू, चाहे पानी या फिर वाटर या फिर आपके फूड के थ्रू अगर कोई इसको इन्हेल कर लेता है तो वो व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएगा और उसके बाद वहाँ पर जा करके ट्रोफोजॉइट बनेगा, फिर ट्रोफोजॉइट से सिस्ट बनेगा। इस तरीके से ये साइकिल आपका चलते रहता है, ठीक है। और कोई इसमें अलग से इंटरमीडिएट होस्ट या फिर दूसरा कोई होस्ट इसमें है नहीं, एक ही होस्ट है जो कि इंसान है, ठीक, बाकी और कोई होस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं होता है। तो यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं इसको, ट्रोफोजॉइट्स लाइव्स इन द ड्यूडिनम, जो कि आपके स्मॉल इंटेस्टाइन वाला एरिया है, ठीक है, जो आपने एनाटॉमी में पढ़ा होगा, डिवाइड बाय लॉन्जिट्यूडिनल बाइनरी फीजन। तो ट्रोफोजॉइट्स जो है आपके बाइनरी फीजन में डिवाइड होता है। तो ये भी MCQ के तौर पर पूछ सकता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट ये सवाल है नहीं। द सिस्ट आर फॉर्म्ड इन द लार्ज इंटेस्टाइन एंड एक्सक्रीटेड इन द फीसेस। अब देखिए, अब स्मॉल इंटेस्टाइन से ये प्रोसेस जब सिस्ट फॉर्म बन जाएगा तो ये सिस्ट जो है आपके लार्ज इंटेस्टाइन के थ्रू जो है आपके फीसेस में या स्टूल में बाहर चला जाएगा। अब ये जब सिस्ट बाहर जाएगा तो पानी में या फिर खाने के द्वारा अगर कोई दूसरा व्यक्ति इसको ले लेता है इस सिस्ट को, तो वह व्यक्ति इन्फेक्टेड हो जाएगा, किससे, जियाडिया लामलिया के लिए। समझ में आएगा आपको, ठीक है। तो ये सिंपल सा एक फॉर्म है और कोई इसमें ज़्यादा कुछ समझने की ज़रूरत है नहीं आपको, ठीक है। तो जो भी ट्रोफोजॉइट्स होते हैं वो सिंपल है, आपके ट्रोफोजॉइट्स जो होते हैं वो सिस्ट में कन्वर्ट होंगे और सिस्ट जो है जब ट्रोफोजॉइट्स में कन्वर्ट होते हैं तो ये सारा प्रोसेस आपके चलते रहते हैं और उसके बाद ये साइकिल निरंतर चलते रहता है। तो ट्रांसमिशन ऑफ इन्फेक्शन बाय इंजेशन ऑफ फूड और वाटर, जो कि मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है कि फूड या वाटर के थ्रू आपको ये इन्फेक्शन पहुंचता है एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक, ठीक है। उसके बाद इसका कुछ अगर डायग्राम की बात अगर मैं करूं कि आप किस तरीके से इसको बना सकते हैं, तो यहाँ पर रफ़ डायग्राम मैंने बनाने की कोशिश की है जो कि आप इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि बता दिया है कि सिस्ट के द्वारा कोई भी व्यक्ति इन्फेक्शन अगर लेता है या इन्फेक्टेड होता है तो वो आपके ड्यूडिनम में जाएगा, तो सिस्ट जो है आपका फिर यहाँ पर क्या बनाएगा, ट्रोफोजॉइट्स बनाएगा और ये ट्रोफोजॉइट्स फिर मल्टीप्लाई होंगे बाइनरी फीजन में, जो कि बहुत सारे फिर ट्रोफोजॉइट्स आपके यहाँ बॉडी में जो है बनने लगेंगे। समझ में आ गया। फिर ये ड्यूडिनम में जाएगा, फिर उसके बाद लार्ज इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि लार्ज इंटेस्टाइन में आपका सिस्ट फॉर्म होगा, ठीक है। तो ये सिस्ट जब लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंच जाएगा तो ये सिस्ट ही आपके फीसेस या स्टूल के थ्रू बाहर जो है चले जाएंगे। जब ये बाहर एक्सक्रीट आउट होंगे एटमॉस्फेयर में तो ये पानी के थ्रू या फिर खाने के थ्रू कोई दूसरे व्यक्ति तक पहुंच जाता है। समझ में आ रहा है, कोई दूसरा होस्ट इसमें इन्वॉल्व नहीं है, सिंपल ये साइकिल इसी तरीके से चलते रहता है। तो ज़्यादा टफ है नहीं, आपको समझ में आ गया होगा बिल्कुल क्लियर। मैं आशा करता हूँ आप इसको एक बार दोबारा से आप समझेंगे तो बिल्कुल आसानी से। तो क्योंकि दो ही फॉर्म है, ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट ट्रोफोजॉइट्स, बस इसके अलावा और कोई चीज़ है नहीं इसमें इन्वॉल्व। तो ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं और इसी डायग्राम से आप लिख सकते हैं जैसा यहाँ पर दिया हुआ है। तो ज़्यादा आप थ्योरिकल पार्ट में जाने की कोशिश मत कीजिए, प्रैक्टिकल पार्ट में रहिए तो ज़्यादातर आपको इमेजिन के थ्रू ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। समझ आ गया आपको।
अब हमारा इम्पोर्टेंट जो रोल होता है वो आता है यहाँ पर, ठीक है। क्लिनिकल डिसीज़ जो है इसमें बहुत सारे मैंने मेंशन करके दिया हुआ है, लेकिन इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट चीज़ आप इसमें देख सकते हैं। ज़्यादातर केस में एसिम्प्टोमेटिक होते हैं, और उसके बाद ये जो पैरासाइट अगर सीवियर डायरिया कॉज करता है, ठीक है, तो इसका आपके स्टूल में जो है म्यूकस दिखाई देगा, लेकिन ब्लड इसमें नहीं होगा। और अदर सिम्टम्स की अगर हम बात करेंगे तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, एपिगैस्ट्रिक पेन है, ठीक है, और उसके बाद डिहाइड्रेशन भी आपको हो सकता है, वेट लॉस हो सकता है, माल एब्जॉर्प्शन हो सकता है। ये बाकी चीज़ें जो है, जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि एब्डोमिनल है तो आपके पेट में दर्द होगा, ये सारी चीज़ें कॉमन इसमें सिम्टम्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो और बाकी चीज़ें हैं इसमें मेंशन करके, तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक। बाकी आप जो भी समझ सकते हैं, जो स्टूल का आप सैंपल जब लेंगे तो उसमें बाकी चीज़ें जो यहाँ पर मेंशन करके दिया हुआ है वो आपको दिखाई देगा, ठीक है। हैव एफएनसी ऑर्डर, जो महक होगा उसका इस तरीके से होगा स्टूल का, बल्कि एंड पेन सॉरी पेल कलर का जो है आपको, और वाटरी दिखाई देगा आपको स्टूल जो है, तो ये आप देख करके भी समझ सकते हैं। गॉल ब्लैडर में भी ओकेशनली इन्वॉल्व, ठीक है, तो गॉल ब्लैडर जो है एक ओकेशनली इसमें इन्वॉल्व भी होता है। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं इसमें। अब जो इम्पोर्टेंट पार्ट हमारा आता है लेबोरेटरी डायग्नोसिस का, लेबोरेटरी डायग्नोसिस सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है जो हम प्रैक्टिकली लैब के अंदर करेंगे, तो इसमें से बहुत सारे सवाल आपके बन सकते हैं। अब ये सवाल जो यहाँ पर बनेंगे कि लेबोरेटरी डायग्नोसिस आप जीआरडीएल लांबले के लिए क्या क्या कर सकते हैं, वो अगर ऑप्शन में आएंगे तो ये सारी चीज़ आपको पढ़ने की ज़रूरत है। तो जीआरडीएसिस के लिए लेबोरेटरी में आप ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट जो फॉर्म होते हैं, दो फॉर्म, उनको आप जीआरडीएल लांबलिया में फीसेस में क्या कर सकते हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा जीआरडीआ एंटीजन के द्वारा जो है फीसेस में आप उसका भी पता लगा सकते हैं। स्पेसिमेन के तौर पे आप फीसेस इसमें ले सकते हैं जो कि फ्रेश होना चाहिए, ठीक है। अगर आप उसको प्रिजर्व करते हैं तो फॉर्मल सेलाइन में आप उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, तो ये भी आपका एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि उसको प्रिजर्व करने के लिए क्या आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद ड्यूडिनल एस्पिरेट भी आप ले सकते हैं सैंपल के तौर पर। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि सैंपल आप इसमें क्या क्या स्पेसिमेन लेंगे। चलिए आगे हम इसमें बढ़ते हैं। अब इसमें टेक्निक कौन कौन सा आप इस्तेमाल करेंगे इसको डायग्नोस करने के लिए, तो यहाँ पर टेक्निक जो हैं बहुत सारे हैं, और सिंपल जो टेक्निक आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ऊपर, डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस, जो फीसेस का आप डायरेक्ट एग्जामिनेशन करके क्या क्या चीज़ें इसमें करेंगे तो वो मेंशन किया है। सबसे पहला चीज़ सेलाइन वेट माउंट, ठीक है, तो सेलाइन वेट माउंट जो यहाँ पर दिया हुआ है ये जब आप करेंगे तो आपको जीआरडीआ लांबलिया का ट्रोफोजॉइट्स आपको आसानी से इसमें दिखाई देगा, ठीक। और उसके बाद सिस्ट फॉर्म स्टूल में, और ट्रोफोजॉइट्स शो कैरेक्टरिस्टिक फॉलिंग लीफ मोटिलिटी, क्योंकि ट्रोफोजॉइट्स जो है आपको मोटिलिटी या जो भी चलना फिरना आपको कैसे दिखाई देगा सेलाइन वेट माउंट में, क्योंकि उसमें फ्लेजिला आपको प्रेजेंट होंगे और सेलाइन वेट माउंट गीला आपको समझ में आ रहा होगा, तो आपको वो भी देखने को यहाँ पर मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद है आयोडीन वेट माउंट, इसमें आपको आयोडीन स्टेन जब आप करेंगे तो इंटरनल स्ट्रक्चर आपको ट्रोफोजॉइट्स का, और उसके अलावा ट्रोफोजॉइट्स जो होंगे आपको मोटिलिटी होते हुए आयोडीन माउंट में आपको दिखाई नहीं देंगे। तो ये दोनों में फ़र्क क्या है आपको समझ में आ रहा है, सेलाइन वेट माउंट में और आयोडीन वेट माउंट में, दोनों फ़र्क आपको समझ में आ गया, ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद ईओसिन वेट माउंट इस अनस्टेन सिस्ट एंड ट्रोफोजॉइट्स कैन बी मोर ईजली सीन अगेंस्ट ए पिंक बैकग्राउंड, तो पिंक बैकग्राउंड में आपको आसानी से ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट जो है दिखाई देंगे। ये क्लियर हो गया, तो डायरेक्ट एग्जामिनेशन ऑफ फीसेस आपका ये हो गया। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एग्जामिनेशन ऑफ स्टैंड स्मियर, तो स्टैंड स्मियर में अगर हम बात करेंगे तो कन्फर्म आपका आइडेंटिफिकेशन इसमें हो जाएगा जब आप स्टेन करेंगे फीकल स्मियर बना करके, ट्राइक्रोम स्टेन या फिर आयरन हीमेटोक्सलिन स्टेन जब आप करेंगे तो आपकी मॉर्फोलॉजी जो होती है ट्रोफोजॉइट्स और सिस्ट की, जो कि आपको हमने दिखाया है, तो वो वैसे का वैसे आपको दिखाई क्लियर देगा इसमें, ठीक है। उसके बाद कंसंट्रेशन टेक्निक भी होता है इसके अलावा, और उसके अलावा अगला यहाँ पर डिटेक्शन ऑफ जीआरडीआ एंटीजन इन फीसेस बाय एलाइजा या इम्यूनोफ्लोरोसेंट, ठीक है, इम्यूनोफ्लोरोसेंट के द्वारा आप एलाइजा टेक्निक के सहायता से आप जीआरडीआ एंटीजन टेस्ट भी परफॉर्म कर सकते हैं।
तो इतने सारे टेक्निक हैं जो कि आप परफॉर्म करेंगे अपने लेबोरेटरीज़ में, ये सारे टेक्निक आप याद रखिएगा। एमसीक्यूज़ में कोई सा भी टेक्निक को लेकर के आपके ऑप्शन बन सकते हैं, इसलिए आप ये सारे टेक्निक को याद करिए और जो भी डिफरेंट मैंने बताया है इंपॉर्टेंट पॉइंट वो भी आप ज़रूर याद कर लीजिए। तो सिंपल है, जीआरडीएल अम्बलिया के बारे में मैंने सारा कुछ कवर करके आपको दे दिया है और इसका नोट्स भी आप बना सकते हैं, दोबारा आप पढ़ भी सकते हैं। सिंपल आपको समझना है, दोबारा आप रिवीजन कर सकते हैं, दोबारा वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, ताकि आपको क्लियर एक बार फिर समझ में आ सके। और रटने की ज़रूरत नहीं है, बार बार मैं बोल रहा हूँ आपको, क्लियर ये सारी चीज़ें पिक्चर के थ्रू आपको समझ में आना चाहिए और इसको इमेजिन करना है, ज़्यादा रटना नहीं है। डायग्राम इंपॉर्टेंट है, लाइफ साइकिल और आपके याद करने वाली चीज़ अगर हम बात करेंगे, अगर प्रैक्टिकली आप लैब में काम करेंगे ना तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं कि टेक्निक हम क्या क्या उसका इस्तेमाल करेंगे, वो आपको ऐसे ही ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। तो ज़्यादा अच्छा है कि आप अगर लेबोरेटरीज़ में काम करेंगे माइक्रोबायोलॉजी की लैब में, तो और बेटर है कि आपको अच्छे से समझ में वो आने लगेगा। तो ये तो हम पढ़ने के लिए है और आपके इंपॉर्टेंट पॉइंट को कवर करने के लिए हैं और इससे एमसीक्यूस क्वेश्चन भी बनते हैं और ये एग्ज़ाम में भी पूछे जाते हैं, इसलिए आप जीआरडीएल अम्बलिया को अच्छे से पढ़िएगा, याद कीजिएगा और अच्छे से तैयार करके रखिए ताकि आपको आसानी हो एग्ज़ाम में लिखने के लिए। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।